आज मेरा और सभी कोड़ापड़ा हाड़ोती संभाग राजस्थान के सभी लोगों का सौभाग्य है कि आचार्य जिनेश्वरी जी का सहस्राब्दी वर्ष का आगाज आज इस औद्योगिक नगरी से श्रेष्ठ नगरी से हुआ है जो आध्यात्मिक की नगरी है और विशेष रूप से हमारे बीच में आचार्य श्री पीयूष सागर जी महाराज और साधु संतों के संग की मौजूदगी में हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 1008 वर्ष पूर्व आचार्य जिनेश्वरी जी ने जो कर्तव्य गच्छाचार्य समाज की स्थापना की थी, हजारों साधु संत साधियों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाकर गांव ढाणी में जाकर और भगवान महावीर के संदेश विचारों को उनके सिद्धांतों को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। उसमें कर्तव्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मैं जैन संतों के सानिध्य में आता हूं, उनकी तप तपस्या समर्पण उनकी वाणी उनका जीवन हम सबको नई प्रेरणा देता है और मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आचार्य पीयूष सागर जी के दर्शन करने का मौका मिला। मैं दानबाड़ी भी गया था, वहां भी आपका दर्शन करने का मुझे मौका मिला और मैंने उस समय भी कहा था कि चाहे कितनी भी व्यवस्था हो, मेरे लिए राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा आध्यात्मिक और आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और ये सौभाग्य समाज के लोगों ने दिया। मैं सशक्त शांति समारोह के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे आचार्य पीयूष सागर जी का दर्शन करने का मौका मिला। जब हम आचार्य जिनेश्वरी जी के जीवन को देखते हैं, उनकी तप तपस्या, उनकी उस समय के आचार्य व्रत में संवाद चर्चा और उस समय के जो राजा दुर्लभ राजा थे, उन्होंने उनको सच्चा और नेक एक आचार्य कहा और आज ये समाज भी इसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में देश और समाज की सेवा कर रहा है। मैं देखता हूं ये समाज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर गो सेवा का काम करता है और उस समय जिनेश्वरी जी महाराज ने कहा था, जब गोवध पशुवध की ज्यादा परंपराएं थी, चाहे उस समय के शासन में हो चाहे लोगों के जीवन में हो, कोई भी शुभ काम करना हो तो पशु की बलि चढ़ाते थे और एक
19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक एक लंबा समय ये पशु बलि का चला, लेकिन आचार्य जुनेश्वर सूरी जी जैसे तप तपस्वी थे, उस समय उन्होंने इस बात का विरोध किया और आचार्य ने कहा कि हम महावीर स्वामी के विचारों सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं, जिसमें उन्होंने एक फूल के अंदर भी अगर कीड़ा होता है तो उसकी भी जीव की भी हत्या न हो। पशु हत्या तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उस समय हजारों वर्ष पूर्व 24वें तीर्थंकर आचार्य भगवान महावीर स्वामी जो विचार दुनिया को दिया था, उस समय की दुनिया किस तरीके थी, देश में हिंसा का वातावरण था, अशांति थी, असत्य का वातावरण था, पशु बलि को वो परमात्मा का दिया वरदान मानते थे, देवी का वरदान मानते थे। उस समय उन्होंने एक विचार दुनिया को दिया और विचार दिया अपनी तप तपस्या से, अपनी साधना से, अपने व्रत से और शरीर की तप और तपस्या से ही लोगों के उनके जीवन को दर्शन को समझने का मौका मिला। और आज दुनिया के अंदर देख लें, जैन संत अरियंत हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु संत हो, साध्वियां हो, उनकी तप और तपस्या, उनका संयम, उनका वात्सल्य, उनका प्यार और उनका जीवन देखने से ही व्यक्ति को नई प्रेरणा मिलती है। अपने शरीर को तप और तपस्या में तपाकर, एक संयम व्रत का पालन करकर और मुंह से जिनवाणी निकालकर, भगवान की वाणी निकालकर, लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज के जीवन को बदलने का काम किया। आज यही कारण है जब हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं तो ऐसे अरिहंतों, आचार्यों, उपाध्यायों, संतों, साधुओं के कारण ही जो 21वीं शताब्दी है, जो दुनिया के अंदर भारत कहेगा कि 21वीं शताब्दी में भारत नेतृत्व करेगा, नैतिक भौतिक साधनों से नहीं, हम नेतृत्व करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान से, सत्य से, अहिंसा से, भगवान महावीर के विचारों सिद्धांतों से। और आज ये विचार सिद्धांत केवल भारत में नहीं, दुनिया के कितने भी देश में चले जाओ, जैन का मतलब सात्विक, मतलब जैन भोजन से शुरू करो आप और जैन जीवन को जीने की कल्पना करो, तो बाहर विदेश में भी जाएंगे तो सात्विक भोजन मतलब जैन भोजन। अहिंसा मतलब भगवान महावीर का विचार, सत्य मतलब भगवान महावीर का विचार, अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज के लिए, आज दिशा पलटी है, हमने कोरोना जैसी आपदा की स्थिति के अंदर देखा है, तो दुनिया के बड़े देश, विकसित देश भौतिक संसाधनों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमसे बड़े थे, लेकिन हमारी सामूहिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारा अपरिग्रह का विचार, जिसके कारण संपूर्ण समाज ने, जिसने भी जहां अभाव वंचित गरीब व्यक्ति को देखा, अपना समर्पण किया, धन का समर्पण किया, सेवा का समर्पण किया, जिसके पास जो बनता था उस आपदा की स्थिति में किया। ये विचार आखिर किसने दिए? ये विचार दिए भगवान महावीर ने। और दुनिया के अंदर, जब विश्व के अंदर भयंकर प्रतिशोध की भावना होती है, उस समय भी भगवान महावीर के विचार
उस दुनिया को देशों को एक नया दिशा देने का काम करते हैं। और इसीलिए मुझे तो जब भी मौका मिलता है मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आचार्यों का दर्शन करूं, साधु संतों का दर्शन करूं, उनकी जिनवाणी हमें आध्यात्मिक और सत्य के मार्ग पर लेकर चले। हम जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हैं, आपकी तप तपस्या संयम व्रत का कुछ अंश हमारे जीवन में भी आए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुझे खुशी है कि आज इसका आगाज कोटा की धरती से हुआ है। गोलचा जी ने कहा कि निश्चित रूप से मैं 25, 26, 27 दिसंबर को भी आऊंगा, क्योंकि मेरी संसद का सत्र बन जाएगा। लेकिन बस मेरी एक ही पीड़ा रहती है कि कुछ क्षण मौका मिले जब आचार्य को सुनने का मौका। मैं जैन समाज में जाता हूं तो स्वागत समारोह तिलक फिलक माला इसमें बहुत समय लगता है, उस समय मेरा मन बहुत कष्ट होता है। हम आते हैं आचार्य के दर्शन करने, उनकी जिनवाणी को सुनने। तो मैं जैन समाज से मैं कहता हूं कि इस स्वागत समारोह के समूह को त्याग कर इस क्षण जो मौका मिल जाए, आचार्य जी के मन क्रम वचन से जो कुछ भी हमें मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान, वह हमारी दिशा पते करेगा। मैं पुनः आचार्य पीयूष सागर जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आचार्य संघ के चरणों में वंदन करता हूं कि हमें सौभाग्य मिला कि चातुर्वास मास आपका दानबाड़ी में हुआ, जो दादा के नाम से जानी जाती है। पूरे देश में दानबाड़ी का नाम दादा के नाम से जाना जाता है। और विशेष रूप से मुझे आचार्य जिनेश्वर सूरी जी के जीवन के बारे में कुछ जानने का मौका मिला, समय कम रहा, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा, आप उनके जीवन दर्शन, उनके विचार, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उस समय उनकी तप तपस्या, उनका जीवन किस तरीके से उन्होंने संपूर्ण जीवन को समाज को समर्पित कर दिया। और उस समय के राजाओं ने भी उसने उनको कहा कि सच्चा और नेक, सत्य पर चलने वाला एक नेक इंसान बनने की ये परंपरा जो शुरू की उन्होंने, आज हजारों वर्ष के अंदर आप कल्पना करें कि 1008 वर्ष में उन समय उन्होंने विचार दिया था, और आज दुनिया कहते हैं कि सत्य और नेक पर चलो, अच्छे आचरण पर चलो, ये दुनिया आज संदेश जा रही है, 21वीं शताब्दी में आज संदेश है। तो निश्चित रूप से उनका संदेश सच्चा नेक, अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा खान पान, ये सब जैन दर्शन के अंग है। और अहंकार, जितने भी जैन दर्शन को पढ़ोगे उतना ही व्यक्ति सात्विक होगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा। और इसीलिए मैं निश्चित सोचता हूं कि इस कर्तव्यगत समाज तक ये सीमित नहीं रहे, शताब्दी वर्ष जन जन का वर्ष बने, हर व्यक्ति आचार्य जिनेश्वर सूरी जी के जीवन में जाने और किस तरीके उनका जीवन था कि समाज के सभी क्षेत्रों के अंदर इसी तरीके से लोग सत्य और नेक पर चले, सात्विक आचरण करे, और अपने जीवन में जो कुछ भी इंसान का जीवन मिला है उस इंसान का जीवन सब कुछ समाज पर समर्पित रहे। आध्यात्मिक जीवन जितना होगा उतना ही व्यक्ति संयम रहेगा, तप तपस्या में रहेगा, सहमित रहेगा। अवसाद और तनाव की स्थिति के अंदर ही आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति को एक नई ऊर्जा देता है, और इसीलिए व्यक्ति आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाना ही पड़ेगा। उसी से उसको ऊर्जा मिलेगी, भौतिक संसाधनों से ऊर्जा नहीं मिल सकती। भौतिक संसाधनों से, धन से, लालच से, इससे कभी भी व्यक्ति सुशोभित नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में तो हमें
हमेशा संयम व्रत तप तपस्या और अपने सार्विक जीवन से ही उसका सही जीवन निकल सकता है। आप सबको ओके बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।